नमस्कार साथियों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान ग्रामीण और शहरी ओलंपिक को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रही है उस पर अपने इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। एक तो टीम डिलीट को लेकर जो अपडेट आ रही है और एक जो प्लेयर है वो अपने गेम को किस प्रकार चेंज कर सकता है उसको लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप किस प्रकार अपडेट कर सकती हैं क्योंकि 10 जुलाई से राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक शुरू हो रहे हैं। पीओ की SSOID से जो टीम क्रिएट का काम है वो शुरू है, लेकिन टीम डिलीट का ऑप्शन भी शुरू कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल बाय डिटेल समझाने वाला हूं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। आपको स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको जो पीओ की SSOID यानी प्रिंसिपल की SSOID खोलनी है उसमें पंचायत टैब को ओके करना है। जैसे ही आप पंचायत एप्लीकेशन को खोलेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख लीजिए साथियों, ये आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा ग्रामीण ओलंपिक के अंदर। आप देख लीजिए, आपके सामने आज ये ऐसी इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें आप टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री कर सकते हैं, टी शर्ट को लेकर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिएट टीम कर सकते हैं और ये देख लीजिए साथियों, जिसका इंतज़ार था प्लेयर गेम अपडेट, यहाँ से आप प्लेयर गेम अपडेट कर सकते हैं और टीम डिलीट, यहाँ से आप टीम डिलीट का भी कर सकते हैं। अब किस प्रकार कर सकते हैं ये भी मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पे टीम डिलीट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टीम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी जो पंचायत है वो पंचायत खुल जाएगी। पंचायत खुलने के बाद आपके पंचायत में जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जितनी भी टीमें हैं, उनका आगे शो कर जाएगा। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए, यहाँ से आप अपनी टीम को देख सकते हैं, जैसे आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां से डिलीट करेंगे तो आपकी टीम डिलीट हो जाएगी। डिलीट होने के बाद आप इसको क्रिएट टीम पर जाकर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही टीम डिलीट करेंगे तो ये आपकी टीम उस पोर्टल में टीम क्रिएट में चली जाएगी। बाद में आपको टीम क्रिएट पर आना है। टीम क्रिएट पर आकर जितने भी खिलाड़ी जो आपको चेंज करने हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन दूसरी टीम में हो गया है तो उसको दूसरी टीम में लेके आना है, तो उन टीमों को डिलीट करके आप नई टीमों को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से वहाँ से आप टीम डिलीट करिए, यहाँ पर टीम क्रिएट पर आपको ऑप्शन में शो कर जाएंगे जो खिलाड़ी टीम डिलीट हुई है उनके। अगर कई साथियों के नहीं शो कर रहे हैं तो वो शो करने लग जाएंगे क्योंकि अभी साइट ओपन हुई है तो थोड़ा समय लग सकता है। तो यहाँ से आप टीम क्रिएट दोबारा कर सकते हैं। अब साथियों, जिन खिलाड़ियों का खेल में गलत रजिस्ट्रेशन हो गया था तो वो यहाँ से प्लेयर गेम अपडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद देख लीजिए साथियों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपका जिला और पंचायत समिति ग्राम पंचायत शो करेगी। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद आपको खेल सेलेक्ट करना है, उस खेल में जितने भी खिलाड़ी होंगे वो खिलाड़ी आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे। और वहाँ से आपको गेम जो अपडेट है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गेम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो गेम अपडेट पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। देख लीजिए, ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप गेम अपडेट कर सकते हैं। यहाँ उस खिलाड़ी का नाम शो करेगा और यहाँ पे ये खेल आपको शो कर जाएंगे। यानी पहले इसका कबड्डी में सिलेक्शन था, उसके बाद टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, जिस भी गेम में ये खेलना चाहता है तो उस पर क्लिक करके आप इसको सेव कर दीजिए। आपके जो खिलाड़ी का गेम है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद आप टीम में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी साथियों ग्रामीण ओलंपिक को लेकर बड़ी अपडेट। साथियों ग्रामीण और शहरी ओलंपिक को लेकर हर छोटी से बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से कवर की जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ग्रामीण ओलंपिक से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और अधिक जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कराई जाती है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।